2018 में एज इंस्ट्रक्टर द्रौपदी का डांडा सेकंड को सक्सेसफुली सबमिट किया एंड उसके अलावा मैंने 2019 में माउंट त्रिशूल 7120 मीटर इसकी हाइट है और ये भी उत्तराखंड में ही है, ये मैंने सक्सेसफुली क्लाइम किया। माउंट तुलियान जो कि कश्मीर में है ये मैंने सक्सेसफुली क्लाइम किया एंड टोटल मेरे 12 एक्सपेडिशंस अभी तक कंप्लीट हो गए हैं। नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। वो पहाड़ों को नापना चाहती है, चोटियों को लांघना चाहती है, पर्वतों पर चढ़ना चाहती है, हिमखंडों पर दौड़ना चाहती है, ऊंचाइयों को छूना चाहती है। वो पहाड़ की बेटी है, पहाड़ों पर रमना चाहती है। वो पर्वतारोही सविता कंसवाल के नाम से जानी जाती है। आज चर्चा सविता कंसवाल पर करते हैं। मेरा नाम सविता कंसवाल है, मैं उत्तराखंड के दूरस्थ जिले उत्तरकाशी की रहने वाली हूं और जो मेरा गांव है लोनथ्रू वो उत्तरकाशी जिले के दूरस्थ क्षेत्र में आता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के लोनथ्रू गांव की रहने वाली 25 वर्षीय सविता कंसवाल ने 12 मई 2022 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। महज 16 दिन में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू फतह करने वाली सविता पहली भारतीय महिला हैं। सविता गजब की पर्वतारोही हैं। इससे पहले 2021 में वह माउंट लहोत्से पर विजय पाने वाली उत्तराखंड की पहली पर्वतारोही हैं। सविता ने अपने गांव के पहाड़ों पर घास काटते काटते एवरेस्ट चढ़ने का सपना देखा और पूरा भी किया। मैं पहाड़ से हूँ, बचपन से ही पहाड़ों से लगाव था। जो मेरा स्कूल था वो कम से कम 4 किलोमीटर में अप डाउन करती थी। उसके अलावा किसान की बेटी हूँ तो खेती बाड़ी और पशुओं के लिए चारा लाना ये बचपन से मेरी दिनचर्या में था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर मैं ये सब चीज़ें कर सकती हूँ तो मुझे लगा कि मैं माउंटेन्स भी क्लाइम कर सकती हूँ एंड मैंने उसी टाइम पर ठान लिया था कि मुझे माउंटेनियरिंग करनी है। सविता किसान परिवार से हैं। पिता राधेश्याम कंसवाल व माँ कमलेश्वरी देवी के साथ सविता भी खेत में काम करती थी। पहाड़ में खेत सीढ़ीदार होते हैं, इन्हीं खेतों से सविता ने पर्वतारोही बनने की प्रेरणा ली। सविता 4 बहनों में सबसे छोटी हैं। बचपन से आर्थिक तंगी से जूझती सविता एक दिन माउंट एवरेस्ट फतेह कर लेगी ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए सविता ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, नौकरी की और अपने सपने को साकार किया। तो मैंने 2011 में एडवेंचर फाउंडेशन कोर्स किया था जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज था और वहाँ से मुझे माउंटेनियरिंग के बारे में पता चला। मुझे माउंटेनियरिंग करनी थी बट मेरा फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड था वो बहुत अच्छा नहीं था बिकॉज मेरे पास फीस तक नहीं थी बेसिक कोर्स करने के लिए एंड मुझे स्कूल से मेरा 12th कंप्लीट हुआ था एंड मुझे स्कूल से सिंचाई का कुछ मिली थी एंड मैंने उससे बेसिक माउंटेनिंग कोर्स कंप्लीट किया NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी से। अगेन मुझे एडवांस कोर्स करना था बट सेम वही फेस की प्रॉब्लम मुझे आ रही थी। देन मैं देहरादून में आई, मैंने CCD में, मैंने कैफे कॉफी डे में और रिलायंस फुटवेयर में मैंने जॉब करी एंड 2016 में मैंने अपने एडवांस माउंटेनिंग कोर्स सर्च एंड रेस्क्यू एंड मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन का कोर्स कंप्लीट किया एंड 2016 से ही मैंने NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी को एज अ इंस्ट्रक्टर ज्वाइन कर लिया। पढ़ाई लिखाई खेलकूद में अव्वल रहने वाली सविता की राह आसान ना थी। आर्थिक तंगी के साथ साथ उन्होंने महिला होने के सामाजिक दबाव का भी डटकर सामना किया। गांव में लड़कियों के लिए बेहतर माहौल नहीं था। परिवार वालों को विश्वास में लेकर सविता ने एडवेंचर कोर्स की पढ़ाई शुरू की और निरंतर पहाड़ों पर चढ़ती रही। पढ़ाई में मैं एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, स्पेशली मैं अपने टीचर्स की बेस्ट स्टूडेंट में आती थी एंड स्पोर्ट्स में भी मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। मैं हर मैराथन में भाग लेती थी, पार्टिसिपेंट लेती थी एंड स्पेशली एडवेंचर स्पोर्ट्स में मेरा पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। पर्वतारोहण शब्द सुनकर हर व्यक्ति रोमांचित हो उठता है। एकाएक आँखों के सामने शेरपा तेंजिंग, एडमंड हिलेरी, बछेंद्री पाल, संतोष यादव जैसे श्रेष्ठ पर्वतारोहियों की तस्वीर उभरने लगती है। निश्चय ही पर्वतारोहण की शुरुआत अविजित पर्वत शिखरों को जीतने की महत्वाकांक्षा से ही हुई होगी, लेकिन आज इसे साहसिक खेल, शौक, पेशे से जोड़कर देखा जा रहा है। सविता कंसवाल माउंट एवरेस्ट, मकालू, लोत्से, त्रिशूल, हनुमान हिब्बा कोल्लाई, द्रौपदी का डांडा, तुलियान, लाबुचे और चंद्रभागा सहित एक दर्जन से ज़्यादा चोटियां चढ़ चुकी हैं।
2019 में इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ने एक फॉर्म निकाला था जिसका नाम था IMF एवरेस्ट मैसिव एक्सपेडिशन, जिसमें टोटल इंडिया से 1000 लोगों ने फॉर्म भरा था, अप्लाई किया था एंड 1000 में से फर्स्ट राउंड में 100 लोग सिलेक्ट हुए एंड सेकेंड राउंड में 50 लोग। सो हमारा फिजिकल स्टेमिना के हिसाब से हमारा सिलेक्शन हुआ। हमें माउंटेन्स में अपने आप को प्रूव करना था, हमारा सिलेक्शन हो रहा था। जिस हाइट पे हम खुद बोलते हैं कि कंपटीशन नहीं करना, उस हाइट पे हमें अपने आप को प्रूव करना था। एंड थर्ड राउंड में 50 में से 12 माउंटेनियर सेलेक्ट हुए और लेजेंडरी माउंटेनियर थे इंडिया से। एंड जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था बहुत ज़्यादा टफ था, बिकॉज हमें कश्मीर में 18-18 केजी के साथ हमें दौड़ाया जाता था, हमारा टाइम नोट किया जाता और हमें टॉप 10 में आना होता था। सो ये हमारा बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस था, जिसमें हमने 2019 में त्रिशूल पीक एवरेस्ट प्री एवरेस्ट एक्सपेडिशन में किया एंड 2021 में माउंट लोथसे को हमने सक्सेसफुली क्लाइम किया। चट्टानों का गिरना, खिसकना, हिमस्खलन, खराब मौसम, शून्य ऑक्सीजन आदि तमाम दिक्कतों को तो पर्वतारोही जैसे तैसे झेल ही लेता है, लेकिन पैसे की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल होता है। सरकारी मदद के लिए सविता ने भी दरख्वास्त लगाई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। प्राइवेट कंपनियों के सहयोग से सविता एवरेस्ट चढ़ पाई। 35 लाख रुपए से ज्यादा की सहायता प्राइवेट कंपनियां सविता के लिए कर चुकी हैं। सरकारी उपेक्षा से वे काफी खफा हैं। तो मेरे लिए एवरेस्ट क्लाइम करने से ज्यादा मुश्किल था एवरेस्ट के लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढना, और ये एक रियलिटी है। मैंने एवरेस्ट के स्पॉन्सरशिप के लिए क्राउड फंडिंग से स्टार्ट किया था, जिसमें लोगों ने मुझे 100 रुपये से लेकर के और जितना जिससे हेल्प हुई लोगों ने मुझे करी, बट वो भी एक अमाउंट एक जगह पर रुक गई थी। एंड उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने 2000 से ज़्यादा कंपनियों को मेल किया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देन मुझे उत्तराखंड के एक बहुत ही अच्छे इंसान है राज भट्ट सर, जो कि कुमाऊं से है और बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। सुधीर बिंजोला सर हैं उत्तराखंड से, मोहित गोयल सर और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे मेरे एवरेस्ट एक्सपर्सन के लिए मुझे आर्थिक सहयोग किया था। एंड इसके अलावा मैंने अपनी उत्तराखंड सरकार से भी अप्रोच किया था, मैंने वहाँ पर भी फाइल डाली थी बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सविता कंसवाल अभी और बहुत सी चोटियां चढ़ना चाहती हैं। वे माउंट एवरेस्ट विजेता होने से बहुत खुश हैं और अपने सफर को और आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो मेरे जो फ्यूचर्स के प्लान हैं, तो मैं अबव 8000 मीटर के 9 जो 8000 मीटर की पीक है उनको मैं क्लाइम करना चाहूंगी। एंड उसके अलावा 7 कॉन्टिनेंट के 7 समिट को मैं ट्राई करूंगी। उसके लिए मुझे स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट है। मेरी आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप मेरी हेल्प करने की कृपा करें। अनसुनी आवाज टीम की ओर से सविता जी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगली रिपोर्ट लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।